हार्दिक स्वागत और विश्वविद्यालय के कुल सचिव वर्ष के शुभारंभ की घोषणा। राष्ट्रीय सेवा योजना मदन मोहन मालवीय हमारे सीनियर एलुमनाई इंजीनियर इंजीनियर ओ एस मौर्य सर, इंजीनियर वैभव श्रीवास्तव सर, इंजीनियर अमरीश पांडे सर, सुधीर अग्रवाल सर, इंजीनियर एन के सिंह सर, एनर्जी है इनकी, जो क्षमताएं हैं उन्हें देखते हुए मुझे विश्वास है कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज को और आगे ले जाएंगे। जो आज के स्टूडेंट हैं, उनको इस बात पर ही गर्व होना चाहिए कि जो 60 वर्ष में हमारे यहाँ से जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो लोग निकले हैं वो लोग पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, और विभिन्न प्रकार के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो हमारे देश के जो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हर तरह के विभागों में आपको मालवीय के लोग मिल जाएंगे। अधिकारी इस मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के आज के डेट में कार्यरत हैं, और मेरे ही बैच के श्री अरुण कुमार जैन जी हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपर थे, मैं सिविल का था, वो जनरल मैनेजर अभी हो गए हैं वहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे में हैदराबाद में, तो रेलवे के सर्वोच्च पदों पर भी पहुंचे हैं लोग। इसके पहले भी ये हृदयेश राव करके होते थे जीएम के। तो जो सरकारी तंत्र है हमारा उसमें मालवियंस की उपस्थिति शुरू से ही रही है, और जब से बाद में धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का अभ्युदय हुआ, तो प्राइवेट सेक्टर में भी मैं देखता हूँ कि दुनिया के हर क्षेत्र में मालवीय के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ कहानियाँ सुनाई जाएं, शायद इसमें कुछ चीज़ें मिल जाएं। जब मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे अभी भी याद है, वैसे तो 36 साल से ज़्यादा होगा, लेकिन लगता है सिर्फ कल की बात है कि यहाँ से एक बस चलती थी जो सारे शहर के लोगों को इकट्ठा करके लाती थी, और मैं भी उसमें आता था। वो देशवर करके ड्राइवर होता था, उस ड्राइवर का डिसिप्लिन इतना तगड़ा था कि स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से रहते थे, और तब मतलब मुझे यहाँ पे आकर के सबसे पहली चीज अपने जो इंजीनियरिंग कॉलेज के ड्राइवर का तो उन्हीं से मिली कि आदमी को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो ये जो डिसिप्लिन है ये आपको बहुत लंबे समय तक, ये डिसिप्लिन मतलब ये इनफोर्स डिसिप्लिन की बात मैं नहीं करता हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने अंदर आप खुद से अगर कोई डिसिप्लिन डेवलप करें कि मुझे किस वक्त क्या करना है, कैसे समय का सदुपयोग करना है, उसका पालन करना है, तो वो एक आपको बहुत लंबी दूरी तक ले जाएगा और आपके लिए सदैव सहायक रहेगा। इंजीनियर डी के सिंह जी, जितेंद्र विशिष्ट अतिथि जितेंद्र मोहन जी, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज के समय हमारे बीच जिन्होंने समय दिया विश्वविद्यालय को आज इस 60 वर्षों की यात्रा पूर्ण करने में सहयोग करने के लिए, प्रोफेसर आलोक राय, प्रोफेसर अर्जुन दुबे, प्रोफेसर एस एन चौधरी, ये लोग सेवानिवृत्त हैं, हमारे जो एलुमनाई हैं श्री ए पी श्रीवास्तव जी, इंजीनियर एच सी मिश्रा जी, इंजीनियर एस डी सिंह जी,
इंजीनियर जे बी राय जी जो प्रेसिडेंट भी हैं जो मालवीय एलुमनाई एसोसिएशन के, इंजीनियर एम पी कंडोई जी, इंजीनियर एम एस पांडे जी, इंजीनियर प्रवीर आर्य जी, इंजीनियर वैभव श्रीवास्तव जी, इंजीनियर अम्बरीश प्रकाश पांडे जी। अतिथि ने कहा कि जो इनके बैच के टॉपर हैं 100 से अधिक हमारे जो यहाँ के पास आउट हैं वो केवल रेलवे डिपार्टमेंट में, उस समय रेलवे इंजीनियरिंग में जाना इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू एक कठिन टास्क होता था, जो उनके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी लिमिटेड थी। लेकिन इस चीज को पूरा करने के लिए इससे पहले जब हमारे दीक्षांत समारोह में जो मुख्य अतिथि आए थे उन्होंने आपको 5 टिप्स दिए थे, वो भी अपने यहाँ के एलुमनाई हैं और उनके ये सारी चीजें एक ही लाइन में आपको सभी को प्रेरित करती है कि हम डिसिप्लिन, फोकस्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट वर्किंग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप छात्र हैं तो कंसिस्टेंसी आपके लिए जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। आज हम लोगों का 60 वर्ष पूरा हो गया है तो हीरक जयंती वर्ष हम लोग आने वाले पूरे एक साल माननीय अतिथियों के प्रस्थान के उपरांत गर्ल्स साइड गेट से निकलेंगी तथा बॉयज एमपीएच के मेन गेट से जाएंगे। इसमें कई तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने आज लॉन्च किया है जो आपके सामने, एक बड़े गोरखपुर जिसमें हमने 8 स्कूलों में हमारे बच्चे जाके पढ़ाएंगे शनिवार और इतवार को, वो कार्यक्रम लॉन्च किया है। हमारा ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है और दूसरा परार्थ हमारे एक जो कार्यक्रम पिछले वर्ष था इस बार दूसरे रूप में जा रहा है और पूरे वर्ष क्या कार्यक्रम होगा वो जो बुकलेट हम लोगों ने रिलीज़ करी है वो उसमें दिया हुआ है, तो हम लोग पूरा वर्ष हीरक जयंती वर्ष मनाएंगे।